छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के आदेश अनुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के निर्देशन में जिले की साइबर सेल टीम द्वारा एक बार फिर गुम मोबाइल की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई कर 67,11,000 रुपए कीमत के 401 मोबाइल जिले के बाहर और बाहरी राज्यों से बरामद कर आवेदकों को सुपुर्द किए। विगत कुछ महीनों में पुलिस को अलग अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल फोन गुम जाने संबंधी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीधे प्राप्त ऐसी समस्त शिकायतों में त्वरित कार्रवाई करने हेतु साइबर सेल की टीम द्वारा गुम मोबाइल को तकनीकी सहायता से ट्रेस किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद किए गए। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा एक बार फिर सामुदायिक पुलिसिंग का परिचय देते हुए मोबाइल धारकों को गुम हुए मोबाइल सुपुर्द किए गए। अपने गुम हुए मोबाइल पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटी। उपरोक्त मोबाइल बरामद करने में साइबर सेल टीम से आरक्षक आदित्य रघुवंशी, नितिन सिंह, राहुल डडोरे, मोहित चंद्रवंशी, अंकित शर्मा और अभिषेक ठाकुर द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर सेल की टीम को उक्त सराहनीय कार्य हेतु पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। ये छिंदवाड़ा पुलिस जो जनता द्वारा हर जो सामान खो जाने की, चोरी होने की, हर तरह की जो भी कोई घटनाक्रम की जानकारी देते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करती है। इसी क्रम में जो पिछले 5 महीने पूर्व यहाँ पे बड़ी संख्या में जो मोबाइल गुम हो गए थे उनको तलाश करके पुलिस ने लौटाए थे। अब ये 5 महीने बाद इस बीच में जो पूरी साइबर सेल ने, थानों की टीमों ने लग के जितने मोबाइल नागरिकों के खोए थे उनको तलाश करने के लिए प्रदेश के बाहर आसपास के जिलों में और जो अन्य राज्यों में भी टीम भेजी थी और इसमें काफ़ी सफलता मिली है। जो कुल आज 401 मोबाइल सेट जो लोगों के घूमे थे आज जो उनको, जो उनके राइटफुल ओनर है उनको लौटाए जा रहे हैं। ये मोबाइल कुल कीमती 67,11,000 रुपए से अधिक कीमत के हैं। इसमें कई मामले काफ़ी पुराने भी हैं जो ये मोबाइल इतने समय से चल नहीं रहे थे और अभी चलने पर, इनकी सूचना मिलने पर इनको बरामद करके इनके सुपुर्द किया गया है। छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।